नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर हमारी एक खास पेशकश आप देख रहे हैं सीधे डावोस से। डावोस यानी कि एक छोटा सा शहर स्विट्जरलैंड जैसे बहुत ही खूबसूरत देश में, लेकिन अचानक ये सुर्खियों में आ जाता है जनवरी में, क्योंकि यहाँ पर आयोजन किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। मेरे ठीक पीछे आप ये कांग्रेस सेंटर देख सकते हैं, जहाँ पर अगले चार दिन काफ़ी ज़्यादा हलचल रहने वाली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, बहुत सारे कारोबारी, यहाँ तक कि राजनेता और कई ऐसे जाने माने नाम और चेहरे यहाँ पर इकट्ठा होंगे, जो कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं और कौन सी वो अहम बातें हैं जिसको लेकर इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में शुरू हो चुकी है विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत। जुट चुकी हैं दुनिया भर की 3000 से ज्यादा दिग्गज हस्तियां। यहां इस बार विश्व की कई ताकतवर हस्तियों और ताकतवर पर्सनालिटीज की मुलाकात होगी। आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान खोजने की कोशिश होगी। मेरे ठीक पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, अभी तो खाली दिखाई दे रही है, लेकिन चार दिन तक काफ़ी ज़्यादा चहल पहल यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि दुनिया भर से यहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगी, अर्थशास्त्री मौजूद रहेंगे और कई ऐसे दिग्गज और जाने माने चेहरे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अच्छी खासी पहचान रखते हैं और यहाँ पर हर साल शिरकत करते हैं। उनमें से एक नाम है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ का, जो इस साल भी पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं और इस फोरम में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 का थीम है स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, यानी सभी देश मिलकर विश्व की तरक्की के लिए एक साथ काम करें। इस साल इसी पर चर्चा होगी। विश्व आर्थिक मंच इस बात को लेकर खासा फिक्रमंद है कि कैसे दुनिया के तापमान की बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री से नीचे रखा जाए। इस बार भी ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हावी रह सकता है। WEF की 50वीं बैठक में दावोस मैनिफेस्टो 2020 भी जारी किया जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने बैठक के लिए 6 महत्वपूर्ण एरियाज को चुना है, जिसके इर्द गिर्द 21 से 24 जनवरी तक दुनिया की तमाम शख्सियतों के बीच मंथन होगा। ये हैं इकोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, जियोपॉलिटिक्स और इंडस्ट्री। इस वक्त दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती की जद में हैं। कैसे इन अर्थव्यवस्थाओं को सुस्ती से बाहर निकाला जाएगा, इस पर मंथन होना जरूरी है। इस मंच से भारत के लिए एक बुरी खबर भी आई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भारत का आर्थिक ग्रोथ का अनुमान कम कर दिया है। हालांकि IMF को अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक ग्रोथ में सुधार की उम्मीद है। So the first two quarters of fiscal year 2019-20 came in weaker than we had projected, which is why we had this substantial downgrade. I think the one sector where we are seeing the most stress is in the financial sector, the non-bank financial corporations. We've seen a sharp decline in credit growth and a weakness in business sentiment. And that has led to the revised numbers that we have for India now. भारत की अर्थव्यवस्था को $5 trillion तक ले जाने का मोदी सरकार का सपना कितना हकीकत बन पाएगा, उसका जवाब भी इस मंच से मिल सकता है। I am, and many of our clients, many of the senior executives I talk to, they're also optimistic, especially in the long run, optimistic about India because we still have 5-6% growth, right? We have a lot of people coming out of poverty into consuming class. भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा WEF की बैठक में शामिल होंगे। भारतीय कंपनियों के 100 CEOs भी दावोस पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो मुद्दे छाए रह सकते हैं वो हैं: दुनिया में छाए राजनीतिक तनाव को दूर करना, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए दुनिया को तैयार करना, टेक्नोलॉजी के टकरावों के खतरे को कम करना, दुनिया को लंबी अवधि के कर्ज के बोझ से उबारना। इस बार के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक काफी अहम हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावोस पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी WEF में हिस्सा ले रही हैं। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस बार ऐतिहासिक मुलाकातों और फैसलों का गवाह बनने जा रहा है।